नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खुदाई के दौरान अब तक का सबसे प्राचीन मंदिर पाया गया है, जो एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग के पहली सदी से लेकर पांचवीं सदी के बीच के होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह मंदिर मठ से निर्मित किए गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। इस खुदाई में माना जा रहा है कि अभी कई और प्राचीन प्रतिमाएं और मंदिरों के अवशेष मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खुदाई पन्ना जिले के गांव नचना कुठारा में चल रही है। यहां दो प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इन्हें आसपास के इलाकों में चौमुखनाथ और पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। ASI का दावा है कि खुदाई में सामने आया शिवलिंग 1 से 5वीं सदी के बीच का हो सकता है। इतिहासकार इसे गुप्तकालीन शिवलिंग बता रहे हैं। शिवलिंग का निर्माण किस चीज से हुआ है, इसकी जांच अभी चल रही है। मंदिरों पर कुछ पौराणिक कथाओं का भी चित्रण है, उन पर गुप्तकाल का प्रभाव है। डॉक्टर व्यास बताते हैं कि मंदिर स्थापत्य की शुरुआत गुफा मंदिरों से हुई थी। ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में अजंता में हीनयान बौद्ध परंपरा की गुफाएं बनी थी। उसके बाद कुछ गुफाओं के साथ पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाने का नया आर्किटेक्ट विकसित हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का डिजाइन शुरुआती ग्रीक मंदिरों से मिलता जुलता है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। बताते चले कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बहोरी बंद के पास तिगवा गांव में 36 पुराने मंदिरों का एक समूह मिला है, जिसमें कंकाली मंदिर का ढांचा अभी भी अच्छी स्थिति में है। बता दें कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में ऐसी खुदाई चल रही है जहाँ से पौराणिक मंदिरों का पता चल रहा है, जो भारत की स्वर्णिम इतिहास को उजागर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।